हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खरीद सब। आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं डिस्कोर्स एनालिसिस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच वेन डाइक आर वेन डीजिक अप्रोच के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए तो आप चाय पी के जरूर जाइएगा। दोस्तों, वेन डाइक के अप्रोच को पढ़ने से पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे कि वेन डाइक की सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर है क्या। इसके अलावा सोशल अप्रोच क्या है, कॉग्निटिव अप्रोच क्या है जिसको कंबाइन करके हम सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच कहते हैं, एंड देन सोसाइटी क्या होती है जिसके थ्रू हम सोशल अप्रोच को यूज करके क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस को अंडरस्टैंड करते हैं, और क्रिटिकल डिस्कोर्स का इन सोशल अप्रोच के साथ क्या रिलेशन होता है, एंड देन हम कॉग्निशन को अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉग्निशन कमांड का क्या रोल होता है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस के अंदर, या इसके अप्रोच की क्या रोल है, एंड देन हम इसके मेंटल रिस्पोंडेंस और रिजल्ट्स ऑफ कॉग्निटिव प्रैक्टिसेस को अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड विद वेन डाइक्स आइडियोलॉजिकल स्क्वायर एंड इट्स इंडिकेटर्स ऑफ अस एंड देम रिलेशनशिप। बट फर्स्ट लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ वेन डाइक्स सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच। फ्रेंड्स, वेन डाइक्स सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच व्यूज क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एज अ फील्ड कंसर्न विद स्टडिंग एंड एनालाइजिंग रिटन एज वेल एज स्पोकन टेक्स्ट टू रिवील द डिस्कर्सिव सोर्सेस ऑफ पावर डोमिनेंस इनइक्वालिटी एंड बायस। दोस्तों, वेन डाइक्स की सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच के मुताबिक क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस एक ऐसा फील्ड है जो कि रिटर्न या स्पोकन टेक्स्ट की एनालाइजेशन या स्टडिंग के साथ कंसर्न है। जिस तरह के हमें पता है कि डिस्कोर्स रिटर्न फॉर्म में भी हो सकती है और स्पोकन फॉर्म में भी हो सकती है, जिसको हम रिटर्न डिस्कोर्स या स्पोकन डिस्कोर्स कहते हैं, एंड देन इसके एनालाइजेशन को हम डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं इन रिटर्न या स्पोकन टेक्स्ट को या वर्ड्स को। टू रिवील द डिस्कर्सिव सोर्सेज ऑफ पावर डोमिनेंस इनइक्वालिटी एंड बायस, कि वो रिवील करे यानी कि जाहिर करे उन सोर्सेस को पावर की, डोमिनेंस की, इनइक्वालिटी के एंड बायस की, कि किस तरह एक सोसाइटी के अंदर पावर की परसुएट के पीछे दो ग्रुप्स या दो कम्युनिटीज होते हैं, किस तरह वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस में रहने की ट्राई करते हैं, एंड देन किस तरह सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी क्रिएट होती है, एस्टेब्लिश होती है, किस तरह सोशल डिफरेंसेस क्रिएट होती है, उनके सोर्सेस क्या होते हैं, क्या वजूहत हो सकती है, एंड देन बायस ऑफ दीज सोर्सेस आर मेंटेन्ड एंड रिप्रोड्यूस्ड within specific socio and political context। और ये sources जो कि power, dominance, inequality और bias को explain करती है, reveal करती है, वो maintain होती है या तो बरकरार होती है, and then reproduced या उनको दोबारा reproduce किया जाता है। अगर ये मौजूद ना हो तो वो किसी भी शक्ल में दोबारा reproduce हो सकते हैं या already वो maintain होते हैं एक society के अंदर within specific socio, एक खास सोशियो, सोशियो मीन्स सोसाइटी, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जहां पर कम्युनिटीज हो, लोग हो, एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट या पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हो, तो इसको हम सोशियो कॉग्निटिव अप्रोच ऑफ वेन डाइक्स टू डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे, और इसके लिए मुझे इस इंट्रोडक्शन को मिटाना होगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस ज्यादा नहीं है। नाउ एज वी नो दैट डिस्कोर्स कैन बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ एनालिसिस, एंड वी आल्सो से दैट डिस्कोर्स कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्च इन्वेस्टिगेशन। नाउ इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एंड यू माइट सपोज टू एनालाइज द प्रीमियर स्पीच इन डिफरेंट समिट्स आर इन यूएन, कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स या प्रीमियर्स उन समिट्स में, या स्पेसिफिकली अगर हम यूएन की बात करें, वो अपने कंट्रीज की इनपुट को रिप्रेजेंट करते हैं या शेयर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकल कम्युनिटीज, विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टांस एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर नेशनल इंटरेस्ट्स। एंड एज वी नो दैट मोस्ट ऑफ द लिंग्विस्ट्स आर साइकोलॉजिस्ट एंड दे नो नेशंस हिस्ट्री, इसी हिस्ट्री के अंदर नेशंस अपनी आइडेंटिटीज को तलाश करते हैं, और उन आइडेंटिटीज को तलाश करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई नहीं करने के लिए, वो अपने आइडियोलॉजीज को उनके अंदर इंसर्ट करते हैं, यानी कि उनके आइडियोलॉजीज उनको पहचान देते हैं, उनको आइडेंटिटी देते हैं, और इसे एक कंट्रीज की या उस कौम की एक हिस्ट्री बन जाती है, और उस नेशन की हिस्ट्री को हम एक स्टांस के तौर पर प्रीमियर के थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू, मुख्तलिफ समिट्स में, मुख्तलिफ पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, मुख्तलिफ सोशल कॉन्टेक्स्ट में, टेक्स्ट स्ट्रेटजीज या लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजीज के थ्रू शेयर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। अब टेक्स्ट स्ट्रेटजीज के थ्रू अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम
मैक्रो स्ट्रक्चर कहते हैं। मैक्रो स्ट्रक्चर के अंदर आपके सेंटेंसेस, क्लासेस, वर्ड्स आ जाते हैं, यानी कि इनको बोल के एक प्रीमियर या प्रेसिडेंट अपने कंट्री की स्टांस को, अपने कंट्री की हिस्ट्री को, अपने कंट्री की आइडेंटिटी या आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। एंड देन लिंग्विस्टिकली ही कैन एक्सप्लोर द पोटेंशियल ऑफ अ नाउन, एडजेक्टिव, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एटसेट्रा, एंड देट कम्स इन माइक्रो स्ट्रक्चर। सो द स्टांस ऑफ अ प्रीमियर कैन बी डिलीवर्ड थ्रू दीज टू स्ट्रेटेजीज and this creates the nation's narrative। और ये narrative pair of foreign office के through वो nations या countries आगे propagate करते हैं या आगे share करते हैं, और वो narrative को relates करती है किसी भी leaders के identity के साथ, किसी भी ethnical identity के साथ, किसी भी social identity के साथ। तो इन डिफरेंट आइडेंटिटीज को एक नैरेटिव के फॉर्म में आगे प्रोपेगेट किया जाता है, और एक प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उन समिट्स में या यूएन में ना सिर्फ वो अपने कंट्रीज या नेशन को रिप्रेजेंट करता है, बल्कि उस कंट्री के अंदर, उस नेशन के अंदर डिफरेंट सोसाइटीज को, डिफरेंट प्रोविंसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि चाहे वो इथिकल हो, वो लीडर से रिलेटेड आइडेंटिटी हो, तो उन सबको, तो हम वहां पर एक नेशन हिस्ट्री को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं। ये तो हमने इसकी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल को समझ लिया। इसके अलावा अगर हम सोशल अप्रोच की तरफ आ जाए, तो सोशल अप्रोच के मुताबिक कि टेक्स्ट को एनालाइज किया जाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सोशियो कल्चरल सिचुएशन विद द टेक्स्ट इज टेकिंग प्लेस आर प्रोड्यूस्ड, कि किसी भी टेक्स्ट को चाहे वो मैक्रो स्ट्रक्चर में हो या माइक्रो स्ट्रक्चर में हो, उसको हम सोशियो कल्चरल सिचुएशन में जहां पर वो टेक्स्ट प्रोड्यूस हो या टेकिंग प्लेस हो, उनके थ्रू हमको एनालाइज करना चाहिए कि इन प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर्स के स्पीचेस को जो कि वो डिलीवर करते हैं मुख्तलिफ समिट्स में, हम माइक्रो स्ट्रक्चर या मैक्रो स्ट्रक्चर में एनालाइज कर सकते हैं। एंड देन कॉग्निटिव अप्रोच क्या होती है? कॉग्निटिव अप्रोच मीन्स के कॉग्निशन क्या होता है, कॉग्निशन माइंड को कहते हैं, थिंकिंग पावर को कहते हैं, नोबिंग को कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं, लुकिंग एट द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। And through this approach, a link is created between text and society and are mediated by cognition। जिस तरह के हमने पहले भी बात की, एक टेक्स्ट जो होती है हमारे पास और टेक्स्ट स्ट्रेटेजी होती है, एंड देन हमारे पास सोशल स्ट्रक्चर होते हैं। सोशल स्ट्रक्चर जहां पर पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हमारे पास हो गया, सोशल कॉन्टेक्स्ट हो गया जिस तरह की हमने बात की, तो इनकी जो लिंक है उस टेक्स्ट की और वो सोशल कॉन्टेक्स्ट की जिसमें वो टेक्स्ट टेकिंग प्लेस हो या प्रोड्यूस हो रहा हो, इसको हम कॉग्निशन के थ्रू लिंक करते हैं, अपनी मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू, अपनी माइंड के थ्रू, अपनी थिंकिंग पावर के थ्रू। अब अगर हम सोसाइटी पर आ जाए, देन वी नो दैट वेरियस प्रैक्टिसेस, नॉर्म्स, रिचुअल्स, बिलीव्स, आइडियोलॉजीज, रिप्रेजेंटेशंस एटसेट्रा कंबाइनली कंस्टिट्यूट सोसाइटी, यानी कि इन चीजों से मिलकर सोसाइटी बनी होती है, और इन चीजों को हम पैरा आइडेंटिटी या आइडियोलॉजी के शक्ल में मुख्तलिफ समिट्स में या मुख्तलिफ सोशल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। देन मिंडाई के अप्रोच के मुताबिक हम अपने मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो कि थॉट्स हो सकते हैं, आइडियोलॉजीज हो सकते हैं, नॉलेज हो सकता है, बिलीव्स हो सकते हैं, प्लान हो सकते हैं, उनको हम फॉर्म्स भी कर सकते हैं, यानी इनको हम बना सकते हैं, थॉट्स को हम बना सकते हैं किसी भी इश्यू के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, किसी भी एक फिनोमेना के बारे में, एंड देन हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एंड देन इन बिलीफ्स और प्लान्स को भी और आइडियोलॉजीज को हम उन सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर चेंज और स्टोर और गेन कर सकते हैं। And then if you come to the ideological square of Van Dyck, then it says that by applying this ideological approach, you can know the hidden meaning, ideology, agenda, power relation inside the text or discourse. यानी कि इस ideological squares को apply करके हम किसी भी text या discourse के अंदर हम उसकी hidden meaning के, उसके perspectives क्या है, इसके छुपे हुए मुहरकात क्या है, इसको हम जान सकते हैं, उसकी ideology क्या है, यानी कि एक प्रेसिडेंट या एक प्राइम मिनिस्टर जब स्पीच डिलीवर करता है, तो उसे उसकी आइडेंटिटी या उसकी आइडियोलॉजी का पता चलता है, और वो अपने नेशन की हिस्ट्री को इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसके थ्रू हम आइडियोलॉजिकल स्फीयर के थ्रू हम उसके आइडियोलॉजी को हम पहचान सकते हैं, एंड देन उसके एजेंडा को, उसके पावर रिलेशंस को, किस एजेंडा के थ्रू वो समिट में गया है, एंड देन इसके इंडिकेटर्स क्या है, इसके इंडिकेटर्स क्या है, यानी कि किन चीजों के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस आइडियोलॉजिकल स्क्वायर को। तो वेन डाइक इसको अस और देम रिलेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। अस मीन्स सेल्फ एंड देम मीन्स अदर, यानी कि इस अप्रोच के मुताबिक स्ट्रेसेस द गुड क्वालिटीज ऑफ सेल्फ एंड मिटिगेटिंग द बैड क्वालिटीज ऑफ सेल्फ, and then stresses the bad qualities of others, यानी कि them, यानी कि जब आप किसी दूसरे ग्रुप की बात कर रहे हो, and mitigating the good qualities of others, यानी कि
उस देन की रिलेशन की। यानी कि इस अप्रोच के मुताबिक आपने अपने आप को सिर्फ गुड रिप्रेजेंट करना होता है, आपने अपने आप को सिर्फ अच्छा रिप्रेजेंट करना होता है, और दूसरा ग्रुप जो आपका रिवाइवल हो उसको आपने बैडली रिप्रेजेंट करना होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम पैलेस्टाइन की इंडिपेंडेंस मूवमेंट के तौर पर ले ले तो पैलेस्टाइन के जो फ्रीडम फाइटर्स है, जो मुजाहिदीन है, उनको वेस्ट या इसराइल टेररिस्ट कहते हैं, और मुस्लिम वर्ल्ड या जो पैलेस्टीनियन है उनको हम होली फाइटर्स कहते हैं। इसके हम उनको गुड रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको हम स्ट्रेस कर रहे होते हैं उनके गुड क्वालिटी को, एंड देन हम उनकी बैड क्वालिटीज को मिटिगेट कर रहे होते हैं, ये उनको फेवर दे रहे होते हैं। तो ये है दोस्तों इस लेक्चर की नोट्स फॉर्म, यानी कि वैन डाइक की सोशियो अप्रोच की नोट्स फॉर्म है। इसे आप अपने नोट्स बना सकते हो और इतने जितने भी आइडियाज है उनसे आप गेंस कर सकते हो, पिक कर सकते हो। इसके अलावा जो चीदा नुकास मैंने वहां पर लेक्चर में बयान किए है, अब यहां पर आप इसको देख सकते हो, जिस तरह के देन और अस का रिलेशनशिप हो गया, इसके बाद इसकी जो सोशल स्ट्रक्चर है, मैक्रो और माइक्रो जो लेवल्स है जो कि हमने लेक्चर में बयान किए, तो इसे आप आइडिया ले सकते हो और इसे नोट्स बना सकते हो पेपर में क्वेश्चन हल करने के लिए। So that was all about Venn diagram, socio-cognitive approach to discourse analysis. I hope you guys have understood it very well.